रश्मि देसाई, रश्मि देसाई को मिल रहा है भाई अच्छे खासा सपोर्ट अब ऑडियंस का। क्यों? क्योंकि जो गलती, मतलब बहुत बड़ी गलती करी है कि रश्मि देसाई को डालती है पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर, जिसे डालना चाहिए था। कौन है वो है देवोलीना। क्यों? क्योंकि देवोलीना हमेशा अनफेयर तरीके से खेलती हैं बिग बॉस के घर में, तो उन्हें ही डालना चाहिए था। लेकिन रश्मि देसाई को डाल करके ऑडियंस को भड़का दिया है मेकर्स ने, और वो एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं कि रश्मि देसाई लायन है, शेरनी है बिग बॉस की। इस तरह से बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, और देखा जाए ना, आज एक ट्रेंड चल रहा, अच्छे खासे भर भर के ट्रेंड चल रहे हैं। तेजरन के लिए ट्रेंड चल रहे हैं, उमर रियाज के लिए ट्रेंड चल रहे हैं, अभी रश्मि देसाई के लिए भी ट्रेंड चालू हो गया। देखना, कुछ ज़्यादातर देखा जाए ना, वैसे जिसे डालना चाहिए था या तो प्रतीक को डालना चाहिए था या फिर देवोलीना को डालना चाहिए था जेल के अंदर, लेकिन इनको डाल करके ना रश्मि देसाई को ऑडियंस को अच्छी खासी भड़क गई है भाई। वो कह रहे हैं कि हर चीज़ गलत हो रही है, हर चीज़ अपोजिट हो रही है। उमर रियाज को पानी के पुल में फेंका गया था, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं लिया। तेजस्वी को फेंका तो इतना बड़ा मुद्दा खींच दिया। सलमान भाई डांटे पे डांटे चले आ रहे थे, करण कुंद्रा को उठा उठा, बस ना चलता होगा तो उठा के पटक देते करण कुंद्रा को। क्यों? क्योंकि बस तेजस्वी गई थी पानी के पुल में, कूद गई थी। वो भी क्यों? खुद अपनी मर्जी से, अगर परेशान तो पानी में कूद गई। अब इसकी जगह फटकार पड़ रही थी करण कुंद्रा को, जो चीज़ थी वाकई बहुत ज़्यादा गलत। मतलब बहुत चीज़ें गलत ही हो रही हैं बिग बॉस के घर में। आपकी इस बारे में क्या है राय, हमारे को कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।